हेलो गाइस, आप सभी का अपने चैनल शर्मा के टॉक्स में स्वागत है। तो गाइस, एक बार फिर से होगी आईपीओ की बारिश। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे 3 आईपीओ हमारे सामने अनाउंस हो चुके हैं, डेट आ चुकी है और कई और सारी डिटेल्स, इवन कुछ के तो ग्रेमार्केट प्रीमियम में डिमांड निकलती भी हमें दिख रही है। तो यहाँ पे DCA सिस्टम को लेके हो चुके हैं 4 IPOs अगले महीने। तो गाइस, इस सब की डिटेल आपको यहां पता चलने वाली है। ग्रे मार्केट प्रीमियम D6 में तो अच्छी डिमांड निकलती दिख रही है और कई और IPOs में भी अच्छी डिमांड निकलती दिख रही है। तो आपको जानना है अगर जो सारे IPOs के बारे में, तो यहां पे उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। दो चीजें करनी है आपको, पहले आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन आप करते नहीं हो, थोड़ा सपोर्ट तो आपको दिखाना ही चाहिए क्योंकि हमारी तरफ से आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहे और आगे भी मिलता रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पूरा देखना ताकि पूरा डिटेल्स आपको मिल सके। यहाँ पे गाइस, पहले मैं बताता हूँ आपको जो नए IPOs आए हैं, फिर हम D6 के बारे में बात करेंगे और कई सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। पहला मेनलाइन IPO गाइस, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। इसको हमने कल ही पोस्ट कर दिया था, देखो 7:49 पे अपने चैनल पे स्टॉक मार्केट न्यूज, ठीक है, ये हमारा नया चैनल है जहाँ पे हम न्यूज शेयर करते हैं, IPO के सारे न्यूज, GMPs, Q2 के अपडेट्स, मतलब जो रिजल्ट आते हैं और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो गाइस, ये 2 से ओपन होगा, 4 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट इसकी 10th को रहने वाली है, लिस्टिंग डेट यहाँ पे 15 को होगी, ₹10 की फेस वैल्यू पे ये आने वाला है। इशू का प्राइस बैंड अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको चैनल पे रिव्यू देखने को मिल जाएगी और बेस्ट रिव्यू होता है। करीब 96 से ज्यादा का IPO का रिव्यू किया मैंने और लगभग सब में आपको अच्छा गेन देखने को मिला है। यहाँ पे इस बात करें रजिस्टर तो लिंकेड टाइम है, इसलिए एक दिन प्रायर लेके चल रहे हम, किसका अलॉटमेंट एक दिन लेट ही आएगा, 35 दिन का कोटा रिटेल उसके लिए हो सकता है। अगर जो बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो हमें 15-20 रुपए तक की डिमांड दी रही है, लेकिन वो क्लियर नहीं होगी, बातों में चल रहा होगा क्योंकि अभी जो इसका प्राइस बैंड है वो डिसाइड नहीं हुआ है। तो किस प्राइस पे डील होगी ये नहीं पता किसी को भी, इसलिए इसको हम क्लियर डिमांड नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 20 रुपए की डिमांड निकल दी रही है, तो ये एक पॉजिटिव बात भी होती है कि अगर जो IPO का प्राइस बैंड नहीं पता है फिर भी लोग डील निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पे ये IPO। नेक्स्ट गाइस, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड IPO, ये दूसरा नया IPO है गाइस और मेनलाइन IPO, ये 3 से 7 को ओपन होने वाला है। यहाँ पे होगा अलॉटमेंट डेट 11 को, पता आपको चलेगा जब IPO आएगा, ठीक है, और अगले महीने की बात हो रही है यहाँ पे। लिस्टिंग डेट 16 को, ₹2 की फेस वैल्यू पे इसका प्राइस बैंड अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन करीब 500 करोड़ का IPO होगा, ठीक है। अब इसमें OFS ही अभी देने को मिल रहा है, फ्रेश इशू भी होगा नहीं होगा ये सब बाद में ही पता चलेगा, जैसे ही पता चलेगा आपको चैनल पे इसका पूरा डिटेल रिव्यू मिल जाने वाला है कि इसमें हमें लगाना नहीं लगाना है, फायदे मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं। केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड IPO इसका रजिस्टर है और 35 रन कोटा इसमें भी रिटेलर्स के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे गाइस, अगर जो बात करें हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो यहाँ बिल्कुल डिमांड में निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन 5 से 10 रुपए की डिमांड तो देखो ऐसे निकल ही जाती है और ये IPO कहीं ना कहीं आपको बेहतर देने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हो, अगर जो आप देखोगे इसका फाइनेंशियल, तो 2020 में 36 करोड़, 2021 में देखो 28 करोड़ और फिर 196 करोड़ का इसने प्रॉफिट बनाया है और एक क्वार्टर में ही अप्रॉक्सिमेटली 60 करोड़ का, तो यहाँ पे 200 करोड़ प्लस ही इस साल भी बना सकती है। तो इसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हुए 5 से 10 रुपए की डिमांड निकलना बहुत ही आम सी बात है, लेकिन अभी कोई भी डिमांड निकलती नहीं दिख रही है, बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग है। मैं बात करूँ ग्लोबल हेल्थ की, ठीक है, ये IPO अच्छा हो सकता है, इसका जब भी रिव्यू आएगा आपको चैनल पर बता दूंगा, आप जरूर इसको देखना और इस IPO में हो सकता है कि आपको गेन भी शानदार देने मिला, लेकिन डिसाइड करेगा कि इसका प्राइस बैंड क्या रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो ₹2 की पहले से ही की गई है, प्राइस बैंड बहुत मैटर करेगा इस IPO में। यहाँ पे गाइस, अगर जो बात करें हम नेक्स्ट IPO की, तो बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड न्यू तीसरा मेनलाइन IPO है, ये भी 3 से ओपन हो रहा है, यानी कि हमारे पास लगातार 3 धमाकेदार ये हो गए और एक DCA सिस्टम, 4 IPO हो गए। यहाँ पे गाइस, 7 को ये क्लोज हो जाएगा, अलॉटमेंट डेट 11 को पता चलने वाली है, लिस्टिंग डेट 16 को और ₹1 की फेस वैल्यू पे इसका भी प्राइस बैंड तय नहीं हुआ है, लेकिन फेस वैल्यू एक रहने वाला है। केफिन टेक्नोलॉजी इसका रजिस्टर है, रिटेल पोर्शन यहाँ पे 35 रन का हो सकता है। इसके फाइनेंशियल्स अभी मुझे मिले नहीं, लेकिन आपको जल्दी इसकी सारी डिटेल आती दिखेगी और आपको यहाँ चैनल पे अपडेटेड भी मिलने वाला है। बात करेंगे इसके करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो यहाँ पे गई 75 से लेकर 90 रुपए तक डिमांड निकलती दिख रही है, धमाकेदार ये IPO हो सकता है और ये सारी चीजें आपको डिटेल रिव्यू में पता चलेगी क्यों ऐसा है। यहाँ पे 75 से 90 रुपए का डिमांड, लेकिन इस डिमांड को मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, अभी जब प्राइस बैंड फाइनल नहीं है, किस प्राइस बैंड पे आप डील करोगे क्लियर नहीं होता, तो इसको हम क्लियर डिमांड नहीं कहते, लेकिन एक पॉजिटिव साइन होता है किसी IPO के लिए अगर जो इतनी बढ़िया डिमांड पहले से ही निकल रही है। बट अब 75 से 80 रुपए 50 रुपए की प्राइस बैंड पे निकल रहा है तो पैसा डबल हो गया, मतलब डबल से ज्यादा हो गया ऑलमोस्ट, और अगर जो 100 रुपए की प्राइस बैंड निकल रहा है तो अप्रॉक्सिमेटली डबल के आसपास है। अब अगर जो 500 रुपए में निकल रहा है तो आप देख लो कितना है। तो इस हिसाब से जब प्राइस बैंड क्लियर होगा तभी पता लगेगा कि ये धमाकेदार है या फुस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैनल को फॉलो कर लेना, न्यूज चैनल को फॉलो कर लेना, ताकि आपको जनरल अपडेट हमेशा मिलती रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट टॉक्स के टेलीग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो इसको भी फॉलो कर लेना, यहाँ पे देखो 22.8
चार के सब्सक्राइबर्स है, डीपी आपको चेंज मिलेगी यहाँ पे, एसएमटी की डीपी चेंज हो चुकी है, ताकि पता चले दीपावली को हमने डीपी चेंज कर दिया, क्योंकि काफी टाइम से था। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की स्टॉक एफएनओ की रेगुलर कॉल देने मिल जाती है आपके सामने स्क्रीन पे है। बात करूँ परफॉर्मेंस की तो गाइस रेगुलर कॉल देने मिल जाती है। अभी कल मैंने कॉल नहीं दिया है क्योंकि मैं अपने होम टाउन में हूं और यहाँ पे नेटवर्क का बड़ा इशू है। ये वीडियो अपलोड करने में मुझे 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा, तो बिना नेटवर्क के क्या ही काम करूंगा, तो अपने घर के जो काम है वो निपटा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, मतलब इंट्राडे एफएनओ सारी कॉल देने मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कमीशन मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करना या फिर आप शेयर मार्केट टॉक्स को फाइंड कर सकते हो। 22.4 के सब्सक्राइबर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे गाइस डीसी सिस्टम की बात करें तो आपको पता है 31st से ओपन हो रहा है, 2nd क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 8th नवंबर को, एक दिन पहले लेकर चल रहा हूँ क्योंकि इसका जो रजिस्टर है वो लिंक इन नहीं है, 7 तारीख का अलॉटमेंट डेट है। लिस्टिंग डेट 11 को है, 2 रुपए फेस वैल्यू पे, यहाँ पे 200 रुपए प्राइस बन रखा गया है। 500 करोड़ का आईपीओ है, इस आईपीओ में सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो मैंने कवर कर रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल रिव्यू आपको देने मिल जाएगा लिंक, ठीक है, डीसीएक्स सिस्टम डिटेल रिव्यू, पॉजिटिव नेगेटिव सब कवर कर रखा है, सभी हम अप्लाई करना नहीं करना है, बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके समझाया, जाके जरूर देखना। इसका ग्रे मार्केट की बात करो तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 70 से 75 रुपए और 80 रुपए तक डिमांड निकल रहा है, कुछ सेंटर पे 70 से 75 मैक्सिमम और कहीं पे 80 रुपए भी देने को मिल रहा है, तो मेनली जो डिमांड है वो 70 से 75 देखने को मिल रहा है। तो वैसे अगर जो बात करें यहाँ पे कितना गेन मिलेगा एक लॉट पे, फिलहाल जीएमपी के अकॉर्डिंग तो आपको करीब करीब 5400 रुपए तक गेन देने को मिल सकता है, 5400-5500, और अगर जो परसेंटेज में से पूछो तो 36% का गेन हमें देने को मिलेगा पर लॉट का अभी करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। तो ये एक अच्छी डिमांड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जब आईपीओ आएगा तो अगर जो सब्सक्रिप्शन अच्छा रहा, मार्केट अच्छा करता दिखा तो अच्छा करेगा, अदरवाइज फुस भी हो सकता है क्योंकि तो पॉइंट इसमें है, जैसे एक 207 रुपए का प्राइस बैंड लग रहा है ना, बट ये महंगा है। क्यों महंगा है डिटेल वीडियो वाले में बता रखा है, और लगाएंगे भी इसको हम सेकंड या थर्ड डे फर्स्ट डे जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आईपीओ इतना पॉजिटिव नहीं है कि फर्स्ट डे से ही लगाओ, मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता, आपको डिटेल रिव्यू में समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल चुका है, कुछ अगर जो पेंडिंग है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपकमिंग आईपीओस की वीडियो भी मैंने डाल दी है, चैनल पे जाकर देख लेना, और हर एक डिटेल आपको चैनल पे मिलती रहती है, जो रह जाती है वो टेलीग्राम पे मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो आपको अच्छी लगी जरूर करते हैं वीडियो, थैंक यू वॉचिंग, बिना लाइक किए मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड ट्रस्ट गाइस, करते हैं वीडियो, थैंक यू वॉचिंग, प्लीज जल्दी स्टे वेल्दी एंड बाय फॉर नाउ।